दोस्तों, आपने कभी पबजी खेला है? सुना है यंगस्टर्स के बीच बड़ा क्रेज है इसका। टीनेजर्स हो या 32 के पार, अगर काम भर पैसे मिल रहे हैं और कहीं से खाली समय मिला तो आजकल यही जवाब मिलता है कि हम पबजी खेल रहे हैं। आप में कई होंगे जो यही करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये पबजी आई कहाँ से, जिसने कुछ सालों में ही गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। पबजी यानी प्ले अननोन्स बैटल गार्ड। पबजी एक ऐसा बैटल गेम है जिसका नशा अब करोड़ों लोग कर रहे हैं। पबजी एंड्रॉयड और iOS में चलने के लिए फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ। पबजी के सक्सेस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पबजी के लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर ही पबजी को खेलने वाले लोगों की संख्या 100 मिलियन के पार तक चली गई थी, यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा। और ये आंकड़ा 2019 फरवरी में आकर 500 मिलियन यानी 50 करोड़ का हो गया और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पता है कि आप ये जानने के लिए बड़े ही उतावले होंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसने पबजी गेम को बनाया। वो शख्स था ब्रेंडर ग्रीन। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पबजी मेकर ब्रेंडर ग्रीन एक प्रोफेशनल गेम डिजाइनर नहीं है, बल्कि वो एक फोटोग्राफर है। लेकिन थोड़े बहुत वेब और ग्राफिक्स के नॉलेज से उन्होंने बहुत सारे गेम जैसे बैटल रॉयल और H1Z1 किंग ऑफ द किल बनाया, जिसमें पबजी यंगस्टर्स का फेवरेट होता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फोटोग्राफर को गेम बनाने की क्या सूझी। वो कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, पर दर्द बहुत होता है। पबजी को बनाने की वजह भी एक ब्रेंडर ग्रीन का टूटा दिल ही है। कहा जाता है कि ब्रेंडर ग्रीन को एक लड़की से प्यार हो गया था और कुछ समय तक साथ साथ रहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और वो दोनों शादी करने के बाद आयरलैंड से ब्राजील जाकर रहने लगे। थोड़े टाइम तक तो सब ठीक चलता रहा, पर ब्रिटेन की माली हालत ठीक ना होने के कारण उनकी बीवी से उनके झगड़े बढ़ते चले गए और फाइनली उनकी परिस्थितियों से तंग आकर उनकी बीवी ने उन्हें तलाक दे दिया। फिर इस दर्द और अपमान को ब्रेंडन ग्रीन अपने साथ लेकर वापस आयरलैंड आ गए। इस अपमान की वजह से ब्रेंडन ग्रीन बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में आ गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पैसा कमाना है। ब्रेंडन ग्रीन ने सबसे पहले जो गेम बनाया उसका नाम था बैटल रॉयल। ये गेम भी काफी फेमस रहा। इस गेम की पॉपुलैरिटी कप को देख एक गेमिंग कंपनी ने ब्रेंडन ग्रीन को जॉब ऑफर की, क्योंकि वो भी एक बैटल गेम बनाना चाहते थे। उस कंपनी का नाम था सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट। ब्रेंडन ग्रीन वहां पर जॉब करने लगे और उन्होंने सोनी के साथ मिलकर एक गेम बनाया जिसका नाम था H1Z1 किंग ऑफ द किल। ये गेम भी काफी फेमस रहा। बस यहीं से ब्रेंडन ग्रीन की किस्मत बदलने लगी। साउथ कोरिया का एक गेम डेवलपर था जिसकी कंपनी का नाम था ब्लू होल। उसे भी एक गेम बनाना था। उसने बड़ी रिसर्च की जिसके बाद उसे ब्रेंडन ग्रीन के बारे में पता चला और उसने ब्रेंडन को साउथ कोरिया बुला लिया और पबजी के सफर की शुरुआत होने लगी। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली फरवरी 2018 में उन्होंने पबजी गेम को लॉन्च कर दिया और आज पबजी की कामयाबी को आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे ब्रेंडन ग्रीन और उनकी डिप्रेशन से बनी पबजी, जिसने चंद सालों में काफी पैसा कमाया। नॉलेज हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।